मतलब मतलब नहीं नहीं है। मैं बहु की दुनिया में नाचने वाली मायावती जी कहती है कि मैं हर दलित का कल्याण करता, दलित का कल्याण करता, कल्याण तो अपना किया, आप कहती है कि दलित का कल्याण करता, दलित का कल्याण कौन किया? दलित का कल्याण यदि वास्तव में किसी महान नेता ने किया तो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने वाला मोदी ने किया, दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं। आज घर घर में, घर घर में आवास बना करके लाखों लाखों की संख्या में आवास बना करके, हाँ यह जरूर है, हम तो स्वीकार करते हैं हमारे मोदी जी योगी जी निश्चित रूप से ईमानदार हैं, लेकिन अभी कर्मचारियों को जितना ईमानदार होना चाहिए हम लोग बना नहीं पाए। और कुछ लोगों द्वारा के लोगों एक बात मेरा याद रखना, मैं अभी 4.5 साल विधायक के रूप में व्यतीत किया हूं, मेरा कसर रह गया, आज का समाजवाद लोहिया का समाजवाद नहीं है, जो जीवन भर फकीर की तरह से जिंदगी बिताता हुआ इस धरती से चला गया, आज का समाजवाद पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी का नहीं है, जो कभी भी जीवन में अपने भाई भतीजा को भी राजनीति में आने नहीं दे, नहीं दे। आज समाजवाद कौन है? आज समाजवाद है वो समाजवाद है, ऐसा समाजवाद औरंगजेब की संस्कृति का समाजवाद। हम तो सुने थे कि मुस्लिम सल्तनत में पिता को गद्दी से जबरदस्ती जो है पुत्र हटा देता था, आज वर्तमान युग में मुलायम जी को हटाने वाला कोई बेटा है तो अखिलेश जी का है, तब पिता को अपमानित करने वाला आज समाजवाद है, आज लोहिया का समाजवाद नहीं रहा, आज जनेश्वर जी का समाजवाद नहीं रहा, आज पुत्र का समाजवाद है, जिस पुत्र ने अपने पिता को भी अपनी आंखों के सामने गद्दी से उठाता है और कहता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उतने से भी संतोष नहीं होता है तो कोषाध्यक्ष कौन बनता है? तो डिंपल जी बन जाती है, महासचिव कौन बन जाता है? तो रामगोपाल यादव जी बन जाते हैं, प्रवक्ता कौन बन जाता है? तो धर्मेंद्र यादव जी बन जाते हैं। मेरे भाइयों, यदि परिवारवाद की सीमा में ही समाजवाद वास करता है, ऐसे समाजवाद को 7 बार कम से कम दुधकार दो, इस समाज का कोई मतलब